ये ग्रीन पटाखे हैं, इसमें आवाज होती है लेकिन कोई पोल्यूशन नहीं होता। ये सुपर ग्रीन कैटेगरी के हैं, इसलिए सुपर ग्रीन है ना केवल मेरे पटाखे एनवायरमेंटली फ्रेंडली हैं, इको फ्रेंडली हैं, उसका जो प्रोसेस हमने जो अडॉप्ट किए बनाने के लिए वो भी वातावरण को ख़राब नहीं करते। कई बार ऐसा होता है सामान या आइटम ग्रीन होती हैं लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काफ़ी बाई प्रोडक्ट्स या वेस्ट निकलती हैं जो हमारे वातावरण के लिए हानिकारक होती हैं। ग्रीन क्रैकर्स का मतलब होता है कि आपका जो पटाखे चलाने के बाद जो एमिशंस होती हैं उसकी जो पार्टिकुलेट मैटर जो निकलती हैं, बहुत छोटे छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, उसकी मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। हे आहेत प्रदूषण मुक्त फटाके। मोहालीतल्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स एज्युकेशन अँड रिसर्च या संस्थेतल्या प्राध्यापक सम्राट घोष यांनी हे फटाके बनवलेत। भारतातल्या इतर संस्थांमध्येही अशाच प्रकारचं संशोधन सध्या केलं जात आहे। तो पहले चैलेंज तो ये होगा कि पैसों से सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, जो भी कोई फायर क्रैकर बनाए या इसको मार्केट में ले जाना चाहते हैं तो पैसों का सर्टिफिकेशन जरूरी है। और उसके बाद प्राइसिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अपना आइसन मोहाली जो स्मोक फ्री सुपर ग्रीन फायर क्रैकर जो प्रोटोटाइप है वो तो बहुत ही सस्ता है, और ये अभी अगर हमारा जो कॉस्ट है वो एक एक 5 रुपये का हम लोग इसका कॉस्ट पड़ता है, लेकिन 5 रुपये से अगर ये हम लोग बाहर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को देंगे तो वो लोग इस पे वो कोई प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। या फटाक्यांचा खर्च पारंपरिक फटाक्यांपेक्षा कमी येईल असा दावा प्राध्यापक घोष यांनी केलाय, पण या फटाक्यांनी बाजारपेठा फुलायला काहीसा वेळ लागणार आहे।